और हमने ऋषि सुनक की बात की, तो वो तस्वीरें बार बार सोशल मीडिया की जो बात करें तो भारत में तो सोशल मीडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ऋषि सुनक, हाँ ऋषि सुनक और उनका सनातन प्रेम और उनका दंडवत प्रणाम, स्वामीनारायण मंदिर वो जो पहुंचे, वो तस्वीरें जो हैं वो छाई हुई हैं। I'm a proud Hindu. जय श्री राम। इस वक्त पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले भारत पर पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है। दुनिया भर से भारत आए राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखे जा रहे हर प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दुनिया के हर देश तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी तस्वीर है जिसने भारत को और भी ज्यादा गौरवान्वित कर दिया है और इस तस्वीर के मुख्य केंद्र हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। I'm a proud Hindu कहने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आज दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत की। ऋषि सुनक अकेले अक्षरधाम नहीं पहुंचे थे बल्कि उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी उनके साथ मौजूद थी। हालांकि इस बात का संकेत ऋषि सुनक पहले ही एक इंटरव्यू में दे चुके थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मैं इसी तरह पला बढ़ा हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। मैंने रक्षाबंधन मनाया था, समय न होने की वजह से मैं जन्माष्टमी नहीं मना पाया था, लेकिन उम्मीद है कि इसकी भरपाई किसी मंदिर में जाने से होगी। यह विश्वास ही है जो हमें मजबूती देता है। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Rakshabandhan, so from my sister and my cousins I have all my rakhis and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly. और नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इंटरव्यू में कही उस बात को सच भी कर दिया। ऋषि सुनक का सनातन धर्म पर विश्वास कितना मजबूत है इसकी तस्वीर अक्सर देखने को मिलती है। पिछले महीने 15 अगस्त को ऋषि सुनक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित मुरारी बापू की राम कथा में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने जय सिया राम का नारा भी लगाया था। ऋषि सुनक ने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मुरारी बापू की राम कथा में आना उनके लिए सम्मान और खुशी की बात है। ऋषि सुनक ने कहा था कि मैं यहाँ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में। बापू Jai Siyaram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. जिस ब्रिटेन ने हिंदुस्तान पर 200 साल तक हुकूमत की, आज उसी देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू है और सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहा है। ये हर सनातनी के लिए गर्व की बात है। पिछले साल दिवाली के दिन भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे और इसी दिन उन्होंने एक बहुत खास मैसेज दिया था। ऋषि सुनक ने एक ट्वीट में लिखा था कि वो एक ऐसा ब्रिटेन बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे जहां बच्चे दिए जला सकें और भविष्य को आशा के साथ देख सकें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस वक्त भारत में है और भारत ब्रिटेन के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। तो जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री हैं वो यूके के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मंदिर जाते हैं तो कहते हैं कि आई कम हियर नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर बट एज अ हिंदू, और वो कहने में उनको कोई हिचक नहीं, वो कहने में न सिर्फ कोई हिचक नहीं बल्कि वो ऐसा कोई ये भी नहीं कि अपनी पब्लिक इमेज को प्राइवेट इमेज को इसको एक अलग करके रखें इस संदर्भ में और इस मामले में फेथ के मामले में।
तो जो कि एक कॉन्फिडेंस भी दिखाता है उनका। और वैसे भी किशोर, फेथ जो है वो आपका आंतरिक मामला, आपका व्यक्तिगत मामला है, आप क्या करते हैं, किस पद पर हैं, उससे वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैं किस मेरे और मेरे ईश्वर के बीच का जो रिश्ता है वो व्यक्तिगत, बहुत ही पर्सनल रिश्ता होता है। और वही ऋषि सुनक भी बोले, जब वो मुरारी बापू कथा में गए वहां पर लंदन में, तो उन्होंने साफ कहा कि वो वहां पर बतौर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर वो आए हैं, वो अपने धर्म का अच्छे से पालन करते हैं। राष्ट्र प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां हैं जो अलग वो निर्वहन करते हैं, और हिंदू होने के नाते उनके जो कर्तव्य हैं, जो विश्वास है, उसका वो पालन करते हैं। और आज उनके भारत दौरे के दौरान भी ये सब चीजें दिखाई दी, जिस समय वो वहां पर मंदिर में गए अपनी पत्नी के साथ। ये जो बहस होती है ना कि नीरज, हाँ नीरज जल्दी बताइए। कई खबरें आई हैं, कई खबरें। एक सबसे पहली बात कि मोदी का मैजिक और मोदी का गारंटी चला है यूक्रेन के मसले पर कॉन्सेंसस में, जो ये बहुत बड़ी बात है। जो कॉन्सेंसस बनाया गया उसमें प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा रोल रहा। हाँ, टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस से हमारे पास खबर है कि मोदी की गारंटी और मोदी का मैजिक चला है तमाम देशों पर, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है यूक्रेन मसले पे, ये हम तमाम चीजें आपको बता रहे हैं। दूसरी अहम बात है जो हमें बताया गया है, जो टॉप सोर्सेस से हमें जानकारी दी गई है, इसके अलावा एक G20 को लेकर बात हो रही है कि क्या G20 G21 होगा, अभी ये तय नहीं हुआ है। मेंबर नया बन गया है अफ्रीकन यूनियन, हो सकता है, हमें ये टॉप सोर्सेज ने बताया है कि आज की तारीख में भी G20 G19+2 है। G19 है, फिर यूरोपियन कमीशन है, उनके दो लोग हैं। हाँ। तो G21 है, तो अगर अभी भी अफ्रीकन यूनियन हो गया तो G20+2 हो गया, यानी टोटल 22 सदस्य आएंगे। तो अभी नाम चेंज होगा कि नहीं ये अभी बताना आने वाले वक्त में पता चलेगा, ये फैसला G20 को लेना है। आज की तारीख में G20 G20 है, अफ्रीकन यूनियन मेंबर हो गया है क्योंकि ऑन टेबल उन्हें बैठाया गया है। इसके अलावा इन और अगेंस्ट को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, कि वॉर इन यूक्रेन या वॉर अगेंस्ट यूक्रेन उसको लेकर बात हो रही थी। इस पे हम लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत अहम बात ये जैसे नीरज ने बताया कि G20 का नाम अभी G20 ही रहेगा ऐसा लगता है। आधिकारिक तौर पर अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो G21 हो गया, क्योंकि अभी भी वो G19 प्लस यूरोप जो है उसमें यूरोप की तरफ से यूरोपियन कमीशन भी है और यूरोपियन यूनियन भी है। तो वैसे ही अगर उन दोनों को अलग अलग माना जाए तो वो 21 है। तो G19+2 था अभी, अब ये G20+2 हो जाएगा क्योंकि उसमें अफ्रीकन यूनियन भी आ गया, पर नाम अभी शायद G20 रहे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर।